टुडे साल का क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स और सेकेंड नंबर हो गया आपका वाई। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। इन फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ टू नंबर, दोनों का सम कर दें एक्स प्लस वाई, तो आपका क्या प्राप्त होगा 25। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मीन्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन सेकंड कंडीशन में देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई का रेसिप्रोकल 1/y इक्वल क्या है 1/4। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल 1/4। अब इसे हम एक्स और वाई का एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स और वाई डिफरेंस है तो इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। अब इसमें से एक्स डिवाइड करेंगे तो वाई वाई बन जा वाई, प्लस वाई में वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स इक्वल 1/4। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ है वाई प्लस एक्स इक्वल एक्स वाई, तो ये क्या आ गया आपका 4, इसको हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे, चाहे एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों सेम हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आर एक्स वाई इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस वाई। और अभी आप इक्वेशन फर्स्ट में देखे थे कि एक्स प्लस वाई इक्वल क्या था 25, एक्स प्लस वाई इक्वल 25। तो अब हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई इंटू 4 इंटू 25। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ क्या आ गया आपका एक्स वाई इक्वल 100, एक्स वाई इक्वल 100। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन जो प्राप्त हुआ था एक्स प्लस वाई इक्वल 25, सेकेंड इक्वेशन आपका है एक्स वाई इक्वल 100। अब देखिए आप एक्स माइनस वाई के लिए ले आइए, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई। तो आपके वैल्यू यही आ जाएगी, किस प्रकार से आएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आप जानते हो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें माइनस 4 एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई।
अब आप ये जानते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई इक्वल कितना है 100, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 400 इक्वल 225। देयरफोर एक्स माइनस वाई इक्वल रूट ऑफ 225, तो एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया 15। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। अब एक्स प्लस वाई इक्वल 25 और एक्स माइनस वाई इक्वल 15 आपको प्राप्त हुआ। अब इसमें देख रहे हैं कि एक्स के दोनों कॉफिशियंट इक्वल हैं और वाई के भी कॉफिशियंट इक्वल हैं। यदि हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर समीकरण के सिंबल आपके जो है सिंबल नहीं चेंज होते हैं, तो इसमें वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मान आ जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं एडिंग, इसको हम एडिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2x इक्वल हो जाएगा 40। देयरफोर x इक्वल 40 अपॉन 2, तो कितना आ गया x इक्वल 20। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल 25, तो एक्स की वैल्यू क्या है 20 प्लस वाई इक्वल 25, तो ट्रांसपोजिंग करने पर क्या आ जाएगा वाई इक्वल 25 माइनस 20, तो वाई इक्वल 5। देयरफोर आपके नंबर प्राप्त हो गए, देयरफोर फर्स्ट नंबर इक्वल 20 और सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया, सेकेंड नंबर इक्वल 5, ये आपका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स इज 448, फाइंड द नंबर्स। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स और सेकेंड नंबर आपका हो गया क्या, सेकेंड नंबर ले लेंगे आप वाई। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14 इन फर्स्ट कंडीशन में है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर एक्स और सेकेंड वाई, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया 14, एक्स माइनस वाई इक्वल 14, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आइए सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इन सेकेंड कंडीशन कह रहा है देयर स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 448, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 448। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या दिया है 448, तो आप थर्ड आइडेंटिटी पढ़ियो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 448। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा था कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दी गई थी
14, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14, तो x माइनस वाई की वैल्यू थी 14, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 14, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 448, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू को आपने पुट कर दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अब ये देखिए 14 का इस पूरे में मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा 448 अपॉन 14, 14 वन या 14, 14 थ्री या 42, यहाँ जो है सब्ट्रैक्ट किए 2 और 8 आ गया 28, 14 टू या 28, तो सेकेंड इक्वेशन आपका बन गया x प्लस वाई इक्वल 32, ये सेकेंड हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आपका क्या x माइनस वाई इक्वल 14 और इक्वेशन सेकेंड है आपका x प्लस वाई इक्वल 32, इसमें आप देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट तो दोनों के सेम है और इसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम कर देते हैं आर एडिंग, आर एडिंग ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 2x इक्वल 2 4 2 6 4 46, देयर फोर एक्स इक्वल 46 अपॉन 2, 2 वन या 2, 2 टू या 4, 2 थ्री या 6, x इक्वल 23। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग नाउ पुटिंग द वैल्यू आप वैल्यू आप x इन इक्वेशन सेकेंड में ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल 32, तो x की वैल्यू क्या है 23, तो यहाँ हम लिख देंगे 23 प्लस वाई इक्वल 32, देयर फोर वाई इक्वल 32 माइनस 23, तो y इक्वल 12 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, ये आपका आ गया y इक्वल 9, therefore फर्स्ट नंबर इक्वल आ गया है 23 और सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया, सेकेंड नंबर इक्वल हो गया 9, ये आंसर हो गए। ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर सम इज 14, फाइंड द नंबर्स, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स एंड सेकेंड नंबर आपका हो गया क्या वाई, फर्स्ट नंबर एक्स और सेकेंड नंबर वाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45 इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45, तो टू नंबर का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई इक्वल है 45, और आपका सेकेंड कंडीशन में इन सेकेंड कंडीशन कह रहा है देयर सम इज 14 यानी x प्लस वाई इक्वल 14, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हमें चाहिए x माइनस वाई आए, तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप x माइनस वाई इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy।
यहाँ क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई। द सम ऑफ टू नंबर क्या था 14, तो यहाँ क्या कर देंगे 14 स्क्वायर माइनस फोर इंटू, और द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45, तो यहाँ क्या लिख देंगे 45, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 14 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 माइनस 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 16, therefore x माइनस वाई इक्वल रूट ऑफ 16, यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा 16, तो x माइनस वाई इक्वल 4, ये आपका हो गया सेकेंड थर्ड इक्वेशन। अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे, आई एम टेकिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन सेकंड था आपका एक्स प्लस वाई इक्वल 14 और सेकंड इक्वेशन बन गया एक्स माइनस वाई इक्वल 4। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऑन एडिंग एड कर देंगे तो एडिंग करने पर क्या आ जाएगा आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2x इक्वल 18 देयर फोर एक्स इक्वल 18 अपॉन 2, तो 2 वन या 2, 2 9 या 18, तो x इक्वल 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल 14, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल 14, देयर फोर वाई इक्वल 14 माइनस 9, तो वाई इक्वल क्या हो गया 5, y इक्वल 5, देयर फोर फर्स्ट नंबर इक्वल हो गया आपका 9 और सेकेंड नंबर हो गया 5, और देखिए इसमें 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा प्रोडक्ट का टू नंबर्स, और अगर इनको सम कर देंगे तो 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया।